77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रेजोनेंस इंस्टीट्यूट मुरादाबाद में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक नगर अखिलेश भदौरिया व शहर के प्रख्यात शल्य चिकित्सक व साई हॉस्पिटल के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर संस्था के निर्देशकों को डॉक्टर प्रदीप भाषणे, शिवेंद्र जैन, गौरव गुप्ता, सुनीत सक्सेना ने मुख्य अतिथियों को बुके प्रदान कर व माल्य अर्पण कर सम्मानित किया। ध्वजारोहण के उपरांत इस अवसर पर डॉक्टर अशोक कुमार ने स्वतंत्रता आंदोलन को याद करते हुए शहीदों के बलिदानों की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने स्वतंत्रता के भाव को याद रखते हुए विकसित भारत बनाने पर जोर दिया। अखिलेश भदौरिया ने राष्ट्र की संकल्पना, राष्ट्रीय भाव, राष्ट्रीय प्रेम पर जोर देते हुए कहा कि वर्तमान समय की यह मांग है कि भारत इसी के जरिए अपने को विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो सकेगा। उन्होंने कहा कि भारत की मूल भावना अनेकता में एकता है और यही सशक्त भारत का आधार है। इस अवसर पर गायक अलबेला ने अपने मधुर गीतों को प्रस्तुत कर समा बांध दिया। प्रदीप वाष्णे ने भी स्वतंत्रता दिवस पर संबोधित करते हुए कहा कि हमारे लिए यह कर्तव्य है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी दे पाएंगे जबकि हम उनके द्वारा उपहार के रूप में मिली स्वतंत्रता का सम्मान करें, अपने नागरिक कर्तव्यों का उचित रूप से सम्मान करें। शिवेंद्र जैन ने मुख्य अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के समापन पर संस्था के निर्देशकों ने मुख्य अतिथियों को मोमेंटो प्रदान किया। इस अवसर पर सभी फैकल्टी मेंबर्स, नॉन एकेडमिक स्टाफ व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। मैं शिवेंद्र जैन, डायरेक्टर रेजोनेंस कोचिंग सेंटर। आज हम 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। बहुत खुशी का माहौल है, चारों तरफ बहुत खुशी है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्लोगन दिया है हर घर तिरंगा, हमने भी बहुत कोशिश करी है कि अपने कॉलोनी में हर घर में तिरंगा फहराया जाए। हमने खुद अपने पास से झंडे प्रोवाइड कराए हैं। आज हमारे सेंटर पे मुरादाबाद के पुलिस अधीक्षक नगर श्री अखिलेश भदौरिया जी और मुरादाबाद के बहुत वरिष्ठ सर्जन श्री डॉक्टर अशोक कुमार साहब आ रहे हैं। वो उनके हाथों फ्लैग होस्टिंग होगी और हमारे डायरेक्टर श्री प्रदीप वाष्णे जी, हमारे डायरेक्टर श्री सुनील सक्सेना सर, हमारे डायरेक्टर श्री गौरव गुप्ता जी सब लोग मौजूद रहेंगे आज और बच्चों को बताएंगे कि स्वतंत्रता हमें कैसे मिली है, कितनी मुश्किल से मिली है। इसको, इसकी कीमत समझो, इसका महत्व समझो। और एक दो लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। इसलिए सभी लोग स्वदेश से प्यार करें। भारत माता की जय।